अभी यहाँ पे बताओ एक बार जरा, इसमें जाके बताओ, ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे सामान को देखती हूँ। सर पनकी थाना क्षेत्र पथस्था में एक हत्या का मामला है, क्या है पूरा मामला? अभी कुछ देर पहले पनकी थाना क्षेत्र से हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि पथस्था में एक बंद घर में एक व्यक्ति को जला के मार दिया गया है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा मौके पर आके चेक किया गया तो पाया गया कि दयाराम, जो मूल रूप से फतेहपुर के रहने वाले हैं और कानपुर देहात में टीचर के रूप में काम करते हैं, उनकी उम्र लगभग 48 साल है, वो आज यहाँ पर एक संजीव नाम के व्यक्ति के बुलाने पर आए थे और उनके भाई के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि संजीव ने उनको कमरे में बंद करके और कमरे में आग लगा दी, जिससे दम घुटने से और जलने से इनकी मृत्यु हो गई है। अभी तक जो प्रारंभिक जांच हम लोगों के द्वारा की गई है उसमें संजीव को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेके उससे पूछताछ की गई तो वो बार बार अपने बयान बदल रहा है, उससे हम अभी पूछताछ कर रहे हैं। एक और बात संज्ञान में आई है कि मृतक की जो पत्नी है उनसे उनका विवाद चल रहा था, दोनों अलग अलग रहते थे और न्यायालय में भी उनके बीच में एक बात प्रचलित है। जो मृतक के भाई हैं जो मौके पे हैं, उनके द्वारा अपनी भाभी संजीव और एक उनकी भाभी के एक अन्य मित्र पवन के ऊपर मौखिक रूप से आरोप लगाते हुए उन सबका इस साजिश में शामिल होना बताया जा रहा है। हमारी टीम, फॉरेंसिक टीम भी मौके पे आ रही है, सारी जो साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है और जितने भी लोग जिनके नाम इसमें आ रहे हैं हमारी टीमें उनको गिरफ्तारी करने के लिए प्रयास कर रही हैं। शीघ्र ही ये सब लोग गिरफ्तार होंगे और जो पूरी बात है वो सामने आएगी और फिर आपके साथ भी शेयर की जाएगी।